नमस्कार मित्रों, मैं हूं आचार्य अभिजय शर्मा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्योतिष ज्ञान में। मित्रों, आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं शुक्र देव के राशि परिवर्तन की। जी हां, 1 सितंबर 2020 को शुक्र देव मिथुन राशि को छोड़कर कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। ऐसे में शुक्र देव का ये राशि परिवर्तन 7 राशि वाले जातकों के लिए बड़ा ही शुभ रहने वाला है। आप सभी लोग जानते हैं शुक्र देव को हमारे जीवन में संबंधित समस्त प्रकार की लग्जरियस का कारक माना जाता है। अच्छा खाना, अच्छा रहना, अच्छा पहनना, भूमि, भवन, वाहन, गाड़ी, घोड़ा, जमीन, जायदाद, इन सभी का कारकत्व शुक्र देव के हाथ में बना हुआ होता है। ऐसे में शुक्रदेव 1 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक इन 7 राशि वाले जातकों को समस्त प्रकार के श्रेष्ठ लाभ देते हुए पाए जाएंगे। तो आइए जानते हैं कौन सी है वह सर्वप्रथम राशि जिस राशि के लिए शुक्रदेव का यह राशि परिवर्तन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो मित्रों, वह राशि रहेगी वृष राशि। जी हां, वृष राशि शुक्रदेव की स्वयं की राशि है और 1 सितंबर को शुक्रदेव पराक्रम भाव के अंदर संचरण कर रहे हैं। इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं है कि वृष राशि वाले जातकों को अपने जीवन में मेहनत अधिक देखने को मिलेगी, किंतु इसमें भी किसी प्रकार का संकोच नहीं है कि शुक्रदेव जो मेहनत करवाएंगे उसके रिजल्ट भी आपको अवश्य मिलने वाले हैं। छोटे भाई बहनों से संबंधित कोई शुभ समाचार आपको सुनने को मिल सकते हैं। छोटी मोटी व्यापारिक यात्राएं यदि आप करेंगे तो उसमें भी आपको देखने को मिलेंगे श्रेष्ठ परिणाम। मित्रों, 1 सितंबर से लेकर 28 सितंबर का जो समय रहेगा यहां पर भाग्य आपका साथ अवश्य देता हुआ दिखाई देगा। मेहनत इस समय में आपको अवश्य देखने को मिलेगी, किंतु भाग्य आपका 2 कदम आगे आपको दिखाई देगा। जिस भी कार्य के अंदर आप मेहनत करेंगे उस कार्य में आपको सफलता मिलना इन 28 दिनों में तय है। सडन ऑफ बेनिफिट्स के योग भी आपको देखने को मिलेंगे। आय से संबंधित, व्यापार से संबंधित यदि कोई भी बड़ा डिसीजन आप लेते हैं तो भाग्य सदैव आपके पक्ष में दिखाई देगा। आपके डिसीजन आपके लिए पूर्ण रूप से पक्षकारी सिद्ध होंगे। दूसरी राशि जिस राशि के लिए शुक्रदेव का यह राशि परिवर्तन बड़ा ही निर्णायक सिद्ध होगा वह राशि रहेगी मित्रों मिथुन राशि। मिथुन राशि के द्वितीय भाव के अंदर शुक्रदेव संचरण करने जा रहे हैं और ये पूर्णतया संकेत दे रहे हैं कि धन से संबंधित यदि मिथुन राशि वाले जातकों के साथ किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है तो वो 1 सितंबर से लेकर 28 सितंबर के समय में समस्त प्रकार की धन से संबंधित समस्याएं आपकी दूर होने वाली है। वाणी में आपके बड़ी ही तीव्रता और मधुरता देखने को मिलेगी। वाणी से ही आप अपने बिगड़े से बिगड़े काम इन 28 दिनों के अंदर बना लेंगे। कुटुंब परिवार में आपको यशमान प्रतिष्ठा देखने को मिलेगी। पिछले समय में किसी भी कारण यदि आपका कोई मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन बना हुआ था उनसे भी आपको मिलने जा रही है निजात। शुक्रदेव इस समय के अंदर आपको परिपूर्णता से लाभ देते हुए दिखाई देंगे और मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि अपने रुके हुए कार्यों को 1 सितंबर से लेकर 28 सितंबर के बीच में पूर्ण करने का प्रयास करें, पूर्ण रूप से देखने को मिलेगी आपको सफलता। तीसरी राशि जिस राशि के लिए शुक्रदेव का यह राशि परिवर्तन बड़ा ही निर्णायक सिद्ध होगा वह राशि होगी मित्रों कर्क राशि। कर्क राशि के लग्न के अंदर ही शुक्रदेव संचरण करने जा रहे हैं जो पूर्णतया एक संकेत है कि आपके व्यक्तित्व के अंदर एक गजब का निखार दिखने को मिलेगा। आपके द्वारा जो भी डिसीजन लिए जाएंगे पूर्ण रूप से आपके पक्ष में दिखाई देंगे। दैनिक रोजगार में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। दाम्पत्य सुख से संबंधित भी समस्त प्रकार की खुशियां आपको अवश्य प्राप्त होने वाली है। आय के स्त्रोत्र में वृद्धि देखने को मिलेगी। इसी के साथ में आप देखेंगे कोई भी पिछले समय में विशेष मनोकामना जो पूर्ण नहीं हो पा रही थी वो भी अब आपकी होकर रहेगी पूर्ण। यदि इस समय में आप कोई पार्टनरशिप में कार्य करना चाह रहे हैं तो भी आप निसंकोच निर्णय ले सकते हैं। चौथी राशि जिस राशि के लिए शुक्रदेव का यह राशि परिवर्तन बड़ा ही निर्णायक सिद्ध होगा वह राशि होगी मित्रों कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातकों के एकादश भाव के अंदर शुक्रदेव संचरण करने जा रहे हैं। ये पूर्णतया संकेत मिल रहा है कि कन्या राशि वाले जातकों की आय में आपको 28 दिनों में वृद्धि अवश्य देखने को मिलेगी। कोई भी विशेष मनोकामना जो काफी समय से आपकी पूर्ण नहीं हो पा रही थी वो भी निश्चित रूप से इन 28 दिनों में पूर्ण हो सकती है। बड़े भाई बहनों से संबंधों में मधुरता देखने को मिलेगी। सडन ऑफ बेनिफिट्स के इन 28 दिनों में आपको चांस कई बार देखने को अवश्य मिलेंगे। संतान के भविष्य से जुड़ी चिंताएं यदि आपके साथ बनी हुई है तो उनसे भी आपको निजात देखने को मिलेगी। इसी के साथ संतान से संबंधित कोई शुभ समाचार भी आपको अवश्य मिल सकते हैं। लव अफेयर रोमांस के अंदर भी जो व्यक्ति कन्या राशि के जातक हैं लव अफेयर रोमांस के अंदर किसी प्रकार की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है उससे भी आपको अच्छे समाचार देखने को मिलेंगे। स्टमक प्रॉब्लम अगर देखने को मिल रही है तो उससे निजात मिलेगी। मेमोरी आपकी बड़ी शार्प रहने वाली है। पांचवी राशि जिस राशि के लिए शुक्रदेव का राशि परिवर्तन बड़ा ही निर्णायक सिद्ध होगा वह राशि होगी मित्रों तुला राशि। जी हां, तुला राशि वाले जातकों के कर्म भाव के अंदर शुक्रदेव संचरण करने जा रहे हैं जो कि पूर्णतया संकेत दे रहे हैं कि व्यापार करने वाले जातकों को व्यापार में वृद्धि देखने को मिलेगी, तो वही नौकरी पेशा वाले जातकों को देखने को मिलेंगे पदोन्नति के योग। इसी के साथ में तुला राशि के वह व्यक्ति जो जॉब की तलाश कर रहे थे पिछले समय में जिनकी जॉब जा चुकी थी उन्हें भी 28 दिनों के अंदर शुभ समाचार देखने को अवश्य मिलेंगे।
भौतिक सुखों में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी, माता का स्वास्थ्य पुष्ट रहेगा, माता से संबंधों में देखने को मिलेगी आपको मधुरता। अगली राशि जिस राशि के लिए शुक्रदेव का ये राशि परिवर्तन बड़ा ही निर्णायक सिद्ध होगा वह राशि होगी मित्रों मकर राशि। जी हाँ, मकर राशि वाले जातकों के सप्तम भाव के अंदर शुक्रदेव संचरण करने जा रहे हैं। ये पूर्णतया संकेत दे रहे हैं कि मकर राशि वाले जातकों को दैनिक रोजगार में वृद्धि अवश्य देखने को मिलेगी। यदि आप कोई पार्टनरशिप में कार्य करना चाह रहे हैं तो भी आप निसंकोच कर सकते हैं। दाम्पत्य योग में भी पिछले समय में यदि आपको कोई मनमुटाव देखने को मिला है तो वही मनमुटाव मधुरता के अंदर परिवर्तित होता हुआ दिखाई देगा। आपके व्यक्तित्व में गजब का निखार देखने को मिलेगा। किसी भी प्रकार का मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन बना हुआ था वो भी रिमूव होते हुए आप अवश्य फील कर पाएंगे। आपके व्यक्तित्व के अंदर ज्ञान स्वरूपी योग देखने को मिलेगा जो कि आपके कर्म क्षेत्र में, आपके परिवार में, कुटुंब के अंदर आपको एक यशमान प्रतिष्ठा प्रदान करने वाला योग बना कर दे रहा है। तो मित्रों, ये है वह राशियां जिन राशि वाले जातकों के लिए शुक्रदेव का ये राशि परिवर्तन बड़ा ही निर्णायक सिद्ध होगा। इन 28 दिनों को पूर्ण रूप से अपने फेवर में बनाने के लिए शुक्रदेव को यदि आप बल देते हैं, अर्थात नित्य एक दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं, 108 बार ओम शुक्राय नमः का जाप करते हैं, इन 28 दिनों का बहुत ही श्रेष्ठ लाभ आपको अवश्य मिलेगा। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल ऐसी ही एक और रोचक जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।